ये बच्चे होंगे सन तो बच्चे जाया करता सी। सर अम्मी अबू ने पैसे लिते से सूद तेन दे तो मतलब शकील खोखर तो 30,000 रुपया लिता से उनका काफ़ी ज़्यादा सूद देने करके उनकी वजह ना साढ़े घर से कब्जा भी कर लिया तो जबरदस्ती मेरे ना निकाह भी किया। सब तो वड्डी वजह है वे कि साढ़े घर सुबह टाइम आया तो मेरी इज्जत खराब करना चाहता सी। वह गल मैं सारे दसती है तो उनकी वजह ना मेरे वैर पैगा तो कहता सी मैं तेरे को बदला लेना चाहता। नाजिया से और भी जानते हैं कि ये जो इन्होंने 13 साल का टाइम पीरियड गुजारा, फिर ये कैसे गुजारा? सर बहुत बुरा गुजारा है। मेरी जड़ी सौकन से भी मैंने मार दी कुट दी सी। मेरा जड़ा मियाँ से भी मारदा कुटदा सी। सब तो वड्डी वजह है वे कि 13 साल अम्मी अबू ने मिलन नहीं दिता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तुकी चौधरी और आप देख रहे हैं CITV। नाजरीन इस टाइम मैं मौजूद हूं एक ऐसी खतून के पास जिनकी 13 साल पहले शादी हुई। शादी क्या होना, जबरदस्ती शादी की गई। ये क्रिश्चियन थी, इनको जबरदस्ती मुसलमान किया गया, उसके बाद जबरदस्ती शादी की गई। इन्होंने अपना 13 साल का टाइम पीरियड किन मुश्किलात में रह के गुजारा, इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद है नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिस्टर कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं कि आपकी 13 साल पहले शादी हुई, 13 साल शादी हुई और आप नॉन मुस्लिम थी, आप मुसलमान हुई, ये सब कैसे हुआ, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। सर अम्मी अबू ने पैसे लिते से सूद तेन दे तो मतलब शकील खोखर तो 30,000 रुपया लिता से उनका काफी ज्यादा सूद देने करके उनकी वजह ना साढ़े घर से कब्जा भी कर लिया ते जबरदस्ती मेरे ना निकाह भी किया। अच्छा जो शकील नामी शख्स था उसने आपके माई बाप को पैसे दिए हुए थे और पैसे के इवज उसने आपसे शादी कर ली, ऐसा ही है? तो आप तो नॉन मुस्लिम थी, वो मुसलमान था, वो कैसे हुआ? सर आई अम्मी अबू के जड़े पैसे देने सन एमरजेंसी दिते नहीं गए। सब तो वड्डी वजह है वे कि साढ़े घर सुबह टाइम आया तो मेरी इज्जत खराब करना चाहता सी। वह गल मैं सारे दसती है तो उनकी वजह ना मेरे वैर पैगा तो कहता सी मैं तेरे को बदला लेना चाहना तो निकाह तद किया। कहता सी तेरे प्यार तेरे भरा कतल कर दाँगा, ताड़ी फैमिली नू कतल कर दाँगा अगर यह काम नहीं करेंगे। तो उनकी वजह नाल सर मैंने निकाह करना पड़ा। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं कि जब उसने निकाह का कहा वो मुस्लिम था और आप नॉन मुस्लिम थी, उसने आपको मुसलमान कैसे किया? सरकारी साहब ने बुला के तो उन्हें पहले मुस्लिम करवाया मैंने, फिर उन्हें निकाह पढ़ाया तो क्या जड़ा तेरी पहले निकाह होया सी वो निकाह तेरा हुन खत्म हो चुका है। आपकी पहले भी शादी हुई थी? जी सर पहले। लेकिन तब तो आपकी उम्र बहुत थोड़ी थी। सर इनकी वजह ना मेरा ने एमरजेंसी निकाह करता सी कि हो सकता साड़ी जान छड़ देगा, लेकिन इन्होंने फिर भी साड़ी जान छड़ी। उससे डिवोर्स ली थी आपने? नहीं, ये कह रहे थे कि अगर मुस्लिम हो जाएंगी तो तेरा निकाह खत्म हो जाएगा। नाजरीन ये कैसे हो सका, हर बंदा अपनी दो इंड की मस्जिद अलग बना के बैठ गया कि जी आप अगर मुझसे निकाह कर लेंगी तो वो पहले वाला निकाह खत्म हो जाएगा। ये शरी मसले होते हैं, इन पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि हर बंदे को अपनी मनमानी मर्जी नहीं करनी चाहिए। ये ठीक किया कि उन्होंने इसका जो नॉन मुस्लिम से इनको मुस्लिम किया, लेकिन ज़बरदस्ती तरीके से किया और सिर्फ अपनी दिलमानी के लिए किया। तो नाजिया से और भी जानते हैं कि ये जो इन्होंने 13 साल का टाइम पीरियड गुजारा, फिर ये कैसे गुजारा? सर बहुत बुरा गुजारा है। मेरी जड़ी सौकन से भी मैंने मार दी कुट दी सी। मेरा जड़ा मियाँ से भी मारदा कुटदा सी। सब तो वड्डी वजह है वे कि 13 साल अम्मी अबू ने मिलन नहीं दिता। अगर कोई शादी हुंदी सी या कोई फोत हो जाता सी तो मिलन नहीं सी देंदा। ये बच्चे होंगे सन तो बच्चे जाया करता सी, बच्चे इंज जाया करता सी मार कुटाई की वजह ना या बच्चे जाया कर देंदा सी, अबोशन करवा देंदा सी। पूरे 13 सालों के अल्लाह ने मैं बड़ी दफ़ा माँ बनाया, लेकिन ऐसे इंसान ने मैं माँ नहीं बनन दिता। अच्छा नाजिया मुझे ये बताएं कि इसके अलावा वो आपके साथ और क्या जुल्म करता रहा? माई बाप को ना मिलने देना, आपके साथ जुल्म ज्यादती, तो ये आप कैसे सारा कुछ बर्दाश्त करती थी, किस बिना पे बर्दाश्त करती थी? सर अपनी फैमिली की वजह ना, क्योंकि असी गरीब हाँ, काफ़ी अमीर ने, सूदखोर कतल वगैरह भी किए ने, यानी कि बड़ा बड़ा बदमाश है। उनकी वजह ने तद नहीं सब एक्शन लेंदी, क्योंकि कितने भी अगर एक्शन लेनी स ना तो मैं मजबूर हो जाने सा कि मेरी फैमिली ने कोई नुकसान ना दे। जिद इन्हें निकाह भी मेरे ना किया तो मेरे भरा की कान से पिस्टल रख के किया कि अगर निकाह नहीं करेंगी तो इन्हें कतल कर दा। 7-8 साल का मेरा भाई छोटा। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं कि इस ड्यूरेशन में आपने कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की या आपके किसी जानने वाले ने की, माई बाप ने, बहन भाइयों में से किसी ने? सर जो निकाह नहीं सी होया ना तो उदो मेरी इन्होंने पता लगा सी अम्मी रण के ने हरकत करना चाहता, यानी कि बेईमान साड़ी धी थे। फिर उत्थे गए सी ग्रीन टाउन थाने, अम्मी री मैनू लैके अम्मी रण ने साड़ी यानी कि दरखास्त दी कि सिर नीयत नहीं सही ने साड़ी धी नूं जबरदस्ती रखिया इत्थे। उनकी वजह नाल इत्थे मैनू कहिंदा सी अगर मेरा तो साथ नहीं ना देंगी तेरे प्राण भी कतल कर दाँगा, तेरी फैमिली नूं भी कतल कर दाँगा, मेरे खालां दे बच्चे आए से उन्हां नूं कतल कर दाँगा। तो उत्थे मैनू धी बना के लै आया सी थाने चों, ते मैं वी बयान देते सी कि हाँ जी मेरा मामू है, मजबूर हो के
क्योंकि साड़ी फैमिली ने कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा मुझे ये बताएं कि 13 सालों में कितनी दफा मतलब ये आपके साथ अमल हुआ कि आप माँ बनी और ये आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई। सर मेरे 4 अबॉर्शन हुए ने, बकायदा मेरे को मेडिकल भी है उनकी वजह, यानी कि काफी दफा ही मैं माँ बनी हूँ, कितने बना नहीं देता, ज्यादातर बच्चे खुद जाया करता रहे। तो इसको जस्ट शादी का शौक था? हाँ जी सर, मैं क्या सी कहता सी लोग की कहे के इस उम्र च बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मैं क्या तू तिया जिडी ना निकाह कर लिया, उनकी वजह ना काफी ज्यादा मैं मारता कुटता सी, पूरी पूरी रात मारता रहा सी, मेरे अगों ना बोलिया कर, मेरी गल मनिया कर, जो मैं कहना। जनाजी आपने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, अब मुझे ये बताएं कि आपने जो 13 साल का टाइम पीरियड गुजारा उससे बाजियाब कैसे हुई आप? सर उदो भाई छोटा सी, जिंदी भैया नाले मजबूरी ना निकाह कीता सी, उदो 7-8 साल दा सी, हुण जवान हो गया माशाल्लाह, उन्हें फिर सारियां गल्लां वगैरह दसियां ते उन्हें कहा कि मैं तैनूं उत्थे नहीं रहन देना, जिवें भी होएगा अगर मैनूं मार भी देगा जो भी मेरे नाल हालात होणगे मैं बर्दाश्त कर लांगा, पर तैनूं उत्थे रहन नहीं देना, तू वापस आ गया साडे, इसलिए सर मैं वापस आ गई। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं, आप अभी मुस्लिम हैं, आपके माई बाप क्रिश्चियन हैं, आप अपने घर में आ गई हैं, इस हवाले से मुझे थोड़ा क्लियर करें, घर वालों की तरफ से कोई नोक टोक कोई ऐसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं सर, वो मैनू ऐसा कुछ नहीं कहते, वो कहते जो तेरी मर्जी हो तू कर, तू इन्ने दुख अगे वेख के आई है, मजीद असी तेन कुछ नहीं कहना चाहते, मैं मुसलमान भी रहना चाहनी हूँ, मैनू कोई मसला नहीं, कह रहे कि तेरी मर्जी की गल। आपका क्या दिल करता? सर मुस्लिम ही रहा, लेकिन मुसलमान जब हुई आपके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, तो आप क्या समझते मुसलमान कम्युनिटी कैसी है? सर मुसलमान एक ही बुरा है, सारे तो नहीं, लेकिन यह मजहब बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मैं मुसलमान ही रहना चाहती हूँ। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं, अब आप क्या चाहती हैं, आपकी विश क्या है, मतलब कैसे जिंदगी गुजारना चाहती हैं? सर यही चाहनी हूँ कि अपनी अम्मी अबू ना सुकून की जिंदगी बसर करा, रही गल जो मेरा मियाँ ने मेरे ना बड़ा बुरा सलूक किया है, तो मैं यह चाहनी हूँ कि इन्हें बड़ी बुरी सजा मिले इस चीज। जी नाज़रीन, आपने दास्तान सुनी नाज़िया बहन की, जो कि बहुत ही दुख भरी दास्तान थी, इनके मियाँ ने इनके साथ शादी की, 13 साल इनको कैद में रखा, घर वालों से मिलने मिलाने नहीं दिया, और खुदा की करनी जो हुई वो ऐसी हुई कि इनका भाई जवान हुआ तो उन्होंने इनको उस कैद से बाजियाब करवाया, अब ये इंसाफ के तलबगार हैं, हुकूमत वक्त से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो मौजूदा इनके पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, उनमें भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, तो बराए करम इनको इंसाफ दिलवाया जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अपने मेज़बान तकी चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।